तो हम वेलकम करेंगे मिस्टर महेश वर्मा जी का फ्रॉम बिहार। प्लीज सर आइए और हमें जो भी आज तक आप फॉरएवर से सीखे हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। सर हम लोग भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, प्लीज सर कम ऑन स्क्रीन। वेलकम है सर आपका। महेश वर्मा जी सर प्लीज। जी सर वेलकम है सर आपका। थैंक यू सुशील सर। आवाज क्लियर जा रही है? आप भी अच्छे लग रहे हैं, आवाज भी अच्छी आ रही है सर। क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोग भी काफी अच्छे लग रहे हैं। एक्साइटमेंट है, सारे हमारे पार्टिसिपेंट और सारे हरे भरे बागवान हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये युवा जो खिलाड़ी हैं, ये FLP इंडिया का जो टीम है, गजब लग रहा है सुशील जी। और आपका जो कैप्टन है, बहुत जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। आपका जो होस्टिंग है, बस मैं तो बहुत अच्छा लगा। और सारे पार्टिसिपेंट्स इतने, मैं देख रहा था सारे लोग टाइम से एकदम रेडी हो चुके हैं। और जो भी लोग हैं, आज का जो सेशन है वो वंडरफुल सेशन है, जिसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट। यानी हमारी जो कंपनी है वो न्यूट्रास्यूटिकल में डील करती है। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल में पकड़ बना लेते हैं तो आज के डेट में सबसे बड़ा मार्केट न्यूट्रास्यूटिकल। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। महेश सर आपका साउंड नहीं आ रहा। ओके कर दिया मैंने, कर दिया। एक बार और कीजिए, दोबारा कीजिए। कीजिए। राइट, आवाज जा रही सर? यस सर आवाज। ओके दोस्तों, तो आप लोग को अभी शानदार वेलकम करते हैं। आज का जो क्लास है न्यूट्रास्यूटिकल यानी न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पूरे इंडिया से अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आने वाला समय का होनहार ट्रेनर बने, होनहार लीडर बने और होनहार एक टीम का कोच बने, जैसे आज हमारे महान गुरु संजय गुप्ता सर हैं और हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। तो सर दिल्ली में बैठे हुए हैं, मैं बिहार में बैठा हूँ, लेकिन ये जूम लाइव सेशन में हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। यानी RTT हो रहा है, यानी कह सकते हैं राउंड द टेबल कर रहे हैं हम लोग। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक साथ में हैं। तमाम लोग जैसे लाइव बैठते थे नारायणा ऑफिस में, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं और अपने आप को स्माइल फेस में सबको देख रहे हैं। और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि लॉन्ग लाइफ, सबका स्माइल बरकरार रहे, एक्साइटमेंट बरकरार रहे। और डॉक्टर महेश जी सिवान से हैं, आपका भी वेलकम है सर। तमाम लोग फटाफट आ जाइए, क्योंकि जो लोग सीखेंगे वही लोग जीतेंगे। डॉक्टर साहब आप तो बस काबिले तारीफ है, आप तो क्लिनिक चलाते हुए ट्रेनिंग लेते हैं सर। आप भी महेश का डबल रोल है, तो सर कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए हैं, तो फिर सोचना क्या है, बस धमाल मचाने का जरूरत है। महेश सर आपकी आवाज। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? चलिए सेशन मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे। 8:15 हो चुके हैं। मेरा नाम महेश वर्मा हुआ, बेसिकली मैं बिहार से नवादा से बिलोंग करता हूँ। रहना सहना मेरा गया में होता है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को दिल्ली से मिला था। संजय गुप्ता सर ने प्रसाद के रूप में मुझे दिया था और वो प्रसाद को मैं लेके बिहार आया और यहाँ आके बांट दिया। सभी गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पांचों डिस्ट्रिक्ट, पूरा मगध जोन में बांट दिया, पूरा बिहार में बांट दिया, पूरा इंडिया में बांट दिया और यहाँ तक नहीं, पूरे वर्ल्ड में बांट रहे हैं दोस्तों। क्योंकि एक ऐसा प्रसाद दिया जो बोले ग्लोबल में बांट दो, मैंने बांटने का काम कर रहा हूँ। और आप लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण करें और जितना चाहे उतने लोग को बांट सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डायरी पेन के साथ नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ना ज्वाइनिंग बेस है ना ट्रेनिंग बेस है,
ये सिर्फ प्रोडक्ट वेस्ट है। आवाज क्लियर जा रही है सुशील सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ राइट, कोई बहुत कोई मैसेज कर रहे हैं, आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि हमारे होस्ट जो है कैप्टन जो है तगड़े हैं, मैं तो कैप्टन के इशारे से चलने वाला हूँ और कैप्टन पूरा इसका कमांडिंग कर रहे। ये अभी जो दिल्ली से लाइव ट्रेनिंग चल रहा है, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र से है और हम बिहार केंद्र से बोल रहे हैं। आप लोग पूरे इंडिया केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को दिल से स्वागत है इस जूम वेबिनार पे। और हम लोग बहुत अच्छा लगता है, खूब सीख रहे हैं, ट्रेनिंग लेने का वाकई अभी वक्त है। जितना बड़ा नॉलेज बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, फिर तो बैटिंग करने की बारी आएगा, और ज्यादा नहीं 1-2 महीने के बाद फिट होने वाला है, सब कुछ समय फिट होने वाला है। तो शानदार अभी जितनी क्लास चल रहे हैं खूब बढ़िया से हम लोग अटेंड करिए, खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए, क्योंकि रियल फैक्ट आपको भी टीम बनाना होगा, रियल फैक्ट आपको भी ट्रेनिंग देना होगा, और रियल फैक्ट आपको भी एक अच्छा प्रोडक्ट का मास्टर माइंड बनना है। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में मैं एज ए यूजर आया था फादर के लिए, और उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, रिजल्ट इसका काफी अच्छा मिला, बाद में चलते चलते इसका देखा अपॉर्चुनिटी, तो मैं भी अपॉर्चुनिटी खोज रहा था, क्योंकि मैं प्रोफेशन से लैब टेक्नीशियन था और मेडिकल लाइन में आप लोग जानते हैं ये कितना टेंशन होता है, छुट्टियां नहीं होती है, तो मैं भी सोच रहा था उस पिंजरे से बाहर निकलूं। और सर ने जब बताया कि प्रोडक्ट इतना बढ़िया है तो इसका मार्केटिंग प्लान आप देख लो, मैं कहा दिखाइए, जब दिखाया तो एक चीज दिमाग में फट से घुस गया, फ्री ज्वाइनिंग, तो फ्री का कुछ मिलता है तो फिर लेट किसका बात करने का। मैंने लेट नहीं किया, फट से पैन कार्ड आधार कार्ड सर को दिया, कार्ड भरा और कुछ प्रोडक्ट और लिया और चलते बना। फिर दोबारा प्रोडक्ट लाने गया तो सर ने बोला डीलरशिप एक लाइसेंस कर लो, मैं कहा ये क्या होता है, बोले और ज्यादा छूट मिलेगा आपको, करवा दीजिए, वो भी कर लिया दोस्तों। फिर एक बार सक्सेस डे देखने चला गया त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में, और वहां जब देखने गया नजारा का नजारा बदल गया। क्या हुआ दोस्तों, हजारों लोग वहां थे, कंपनी देते देते नहीं थकी, लोग देखते देखते थक गए। ये है मैनेजर रिट्रीट, ये है मैनेजर्स, ये है मिलेनियर्स, ये है कार प्लान, ये है सीनियर मैनेजर, फ्लोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, इतना सारा चीज दे रहा था कि लोग देखते देखते रह गए। मैं तो कहा भाई क्या कंपनी है, कितना बांट रही है, यानी लेने वाले थक गए, देने वाले नहीं थका दोस्तों। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, बाकी कंपनी है दमदार, जबरदस्त, इसको करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कहते दोस्तों हम कोई ये पपीता के पेड़ के नीचे नहीं है, हम कोई सहजन के पेड़ के नीचे नहीं है, हम लोग तो बरगद के पेड़ के नीचे हैं, जिसकी जड़े नीचे भी होते हैं अजय फॉर एवर बट विथ है। आप समझ चुके होंगे कितनी विशाल प्लेटफॉर्म है। तो ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फेल किया हूँ पिछले 7 साल में, क्योंकि ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2013 से, और इसको मैं 1 साल जबरदस्त काम किया, यानी फील्ड वर्क किया, और इसका नतीजा हुआ जनवरी 2015 में फाइनली मैनेजर बना। 2016 में गुप्ता सर के साथ मैनेजर रिट्रीट गया, खूब इंजॉय किया, और 2017 में ट्रेनर, 2018 में फोर व्हीलर रिसीवर, और 2019 में अपना जमीन आया, 2020 में घर भी बन रहा है दोस्तों। मजा आ गया, अब तो 21 आ गया, यानी जो सपने थे फॉर एवर लिविंग में जितने लिखे थे सब पूरे हुए नजर आए। आप लोग भी बस ट्रेनिंग में बने रहिए, पॉजिटिव में सोचिए, मतलब और एक मिनट कुछ बोलना चाहूंगा सर, मतलब जहां लोग सर अभी अपने आने वाले कल को लेके परेशान है, वहां आपने एक लाइन बोली कि अभी मैं वर्तमान मतलब कि घर बना रहा हूं। जी दोस्तों ये पावर है फॉर एवर की, मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है जब आप पैसिव इनकम पे पहुंच जाते हैं। बेसिकली हमारा आज मोटिवेशन का क्लास नहीं है, लेकिन मोटिवेशन के बिना प्रोडक्ट्स भी नहीं है जिंदगी में। अब भी खास करके मोटिवेशन जरूरी है, तो आप फॉर एवर के नॉलेज के लिए इतने बिजी हो जाइए ना कि बाहर के माहौल से आपको कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, देखिए सर मैंने बताया ना बहुत कुछ दे करके जाएंगे आज सर, बस आप लोग कंटिन्यू रहिए लास्ट तक, कुछ है सरप्राइज। तो सर स्लाइड आपके पास है या मैं शेयर करूं? है सुशील सर है, मैं sorry, बस sorry. एक मिनट और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं स्लाइड के माध्यम से चलेंगे सर, क्योंकि मेरे नए मित्र भी बहुत सारे हैं, पुराने मित्र भी है, मैं सोचा थोड़ा सा 2 मिनट का सक्सेस स्टोरी हो जाए। नहीं जरूरी है, सफलता जो है जानते ही हैं दर्द की कोख से पैदा होती है दोस्तों,
बट वर्क इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। आप लोग इतना भी मत समझिएगा कोई बड़ा हार्ड है, बड़ा सॉफ्ट है, बशर्ते दिल से करने की जरूरत है, दिल से समझने की जरूरत है। और अपने जो कोच है उनको एकदम गले लगाने की जरूरत है, जैसे मैंने आज गुप्ता सर को गले लगाया। जितना मतलब कहते ना, जितना डुक्का मारा मैंने सब कुछ सहन कर लिया, और जितना फाइटम फाइटी हुआ लेकिन मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो गया, क्योंकि सर तो मार धार से भरपूर है, एक्शन से भरपूर है। लेकिन हाँ, जानते हैं दोस्तों, जो प्यार दुलार करता है उसका बच्चा नालायक होता है, जो मदर फादर डांटते है ना उसके बच्चे स्ट्रोंग होते है। तो बस हम लोग बस उस चीज के लिए ध्यान रखिए, अगर मदर फादर डांट रहे हैं तो समझिए आपको कुछ बनाने वाले हैं। तो इनके जितने भी बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जैसे संजीव सर को लीजिए, रविंदर सर को लीजिए, तिवारी जी को लीजिए, सब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है। आप सुशील सर को लीजिए, मास्टर ब्लास्टर ये भी है, मतलब एक से एक टीम में है। और आप सभी लोग बैठे हुए मास्टर ब्लास्टर है, मैं आप लोग को भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स अगर इस ग्रुप में बैठे हैं तो मास्टर ब्लास्टर हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने टीम में जो भी लोग आते हैं और ठोक बचा के आते हैं, निर्णय एकदम मजबूत करके आते हैं, रीजन और विजन दोनों स्ट्रोंग होता है। मैं मानता हूँ कि आप लोग का रीजन विजन स्ट्रोंग होगा, और ये सब छोटी मोटी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ऐसे सबको फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि उसका काम है आना जाना और अपना काम है काम करते रहना। क्योंकि दोस्तों इम्यूनिटी पावर तो जानते ही हैं, इम्यूनिटी पावर लोग आज जान रहे हैं, थैंक गॉड रेक्स मॉन, थैंक गॉड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये 1978 में इम्यूनिटी के प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं इम्यूनिटी पावर का क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं हम लोग कोरोना का, ये है क्या समझिए, इम्यूनिटी पावर बिल्डअप करने का। तो दोस्तों वो है सिंथेटिक, और आपके हाथ में क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इम्यूनिटी प्रोडक्ट बनाने का। तो सोच सकते हैं, एक जैसे आप बिकोसुल खाते हो, क्या है, सिंथेटिक है विटामिन, लेकिन अपने खाते हैं आप रॉयल जेली खाते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। आप समझ चुके होंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक क्या चीज होती है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब नेचुरल है और सब ऑर्गेनिक है, बस नेचुरल समझिए और एकदम इजी वे में समझिए, बहुत मजेदार सेगमेंट है। और ये न्यूट्रास्यूटिकल में हम लोग डील करते हैं, ना हम कोई डॉक्टर है, ना कोई ये प्रोडक्ट दवाइयां है, और ना कोई हमारी कंपनी हॉस्पिटल है। हम वर्ल्ड क्लास का न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्ल्ड का फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम होता है जिसके कारण आप बीमार होते हैं, उस कारण कोई खत्म करता है, कहते हैं लेक ऑफ न्यूट्रिशन काउज ऑफ डिजीज। जैसे आज हमारे बीच में जैसे डॉक्टर साहब हैं, देखिए सिवान से पूरा जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग लेते हैं और जबरदस्त प्रोडक्ट सबको खिलाते हैं, और जरूरत पड़ता है तो सब डालते हैं, जेंटामाइस इंडेक्स होना, आई विल सब डालते हैं। तो दोस्तों उसका काम अलग है, इसका काम अलग है, आप समझ चुके होंगे हम लोग किस फील्ड में है। यानी हमारा जो मार्केट है वो है वेलनेस इंडस्ट्री का, और वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे वास्ता कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो चलिए हम लोग सेशन को देखते हैं, अचीवमेंट तो बहुत तगड़ा है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, पागलपन लाना होगा दोस्तों, पागलपन जरूरी है। किसके लिए, सीखने के लिए। सोचिए दोस्तों, एक्सक्यूज नहीं है सर, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रोगी भी देख रहे हैं, फिर भी ट्रेनिंग है छोड़ते हैं। मैं आज से नहीं सर को जान रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन से जानता हूँ, लॉकडाउन में सर ने ज्वाइन किया था डॉक्टर महेश सर ने, और लॉकडाउन में असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, लॉकडाउन में सुपरवाइजर बना, और जल्दी लगता है लॉकडाउन में मैनेजर भी बनने वाले हैं। तो मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूँ कि हमारे डॉक्टर महेश सर लॉकडाउन में मैनेजर बनेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, सर अपना जरा हाथ उठा के जरा हाय हेलो करिए, डॉक्टर साहब ऐसा होने वाला है, वाह वेरी नाइस। चलिए दोस्तों देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम लोग का काम ऐसे होता है, क्योंकि ठान लिया तो ठान लिया, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग माउंटेन मैन मांझी फ्रॉम बिहार, जब मांझी पहाड़ तोड़ सकता है तो हम लोग तो फॉर एवर को मैनेजर ही बनाना है। सोचना क्या है, तो पहले मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा, देखिएगा ना एनर्जेटिक पर्सन है, और ये फॉरएवर को तहे दिल से प्रोडक्ट खाते हैं, तहे दिल से खिलाते हैं, और हजारों रिजल्ट इनके पास में है। और मैं देखता हूँ 24/7 फॉरएवर को एकदम गले लगा लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वही लोग कामयाब होंगे जो फॉरएवर को गले से लगाया, प्यार किया, जैसे रेक्स मॉन बोलते हैं, आई लव फॉरएवर, आई ड्रीम फॉरएवर, आई स्विम फॉरएवर, आई ईट फॉरएवर। आप लोग को भी ऐसा ही बोलना होगा दोस्तों, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कोलाइटिस का इलाज है, बर्नाइटिस का इलाज है, मतलब कह सकते हैं अर्थराइटिस कोलाइटिस का इलाज है, लेकिन बर्नाइटिस का कोई इलाज। हम लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी फैमिली हैं, जितने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अभी इस मंच पर लोग अटेंड कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को, किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है,
और एक्सक्यूज नहीं है, तो निश्चित है सक्सेस मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो क्लास है वो स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोग के बीच में शेयर करूँगा। सुशील सर, मुझे स्लाइड करने शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। जस्ट वेट, नाइस सर, वेरी नाइस। और अपना माइक को सुशील सर ऑन रखेंगे। आवाज के लिए जा रहा है सुशील सर जी? सुशील सर सुशील सर का आवाज बंद हो गई, मैं थोड़ा खोल देता हूँ सर का, एक मिनट आप अनम्यूट करिए। सुशील सर जी, सर आ रही है आवाज, क्लियर है आपकी? हाँ राइट है, मैं अभी स्लाइड शेयर करूंगा, थोड़ा बताइएगा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, ओके। सुशील सर स्लाइड रेडी है? यस सर, क्लियर है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो पेशेंस रखा 1 मिनट का, मैं इसके लिए आप लोग को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लिए सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं पेशेंस से भरे पूरे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जानते हैं आप, पेशेंस का ही परिणाम है, सफलता धैर्य का कुंजी है, आप जानते ही हैं। और हम लोग सभी लोग वो लोग हैं जो कितना भी कुछ हो जाए बट हम लोग डटे रहने वाले हैं। और अभी का जो सेशन हम लोग का न्यूट्रिशन का क्लास है, तो सबसे पहले चीज समझते हैं न्यूट्रिशन मीन्स होता क्या है। न्यूट्रिशन मीन्स होता है दोस्तों पोषक तत्व। पोषक तत्व हमें क्यों जरूरी है ये जानना हमको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो शरीर का निर्माण है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से होते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयरन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे चीज हमारे एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये चीज पाया कहाँ जाता है और इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स, एक सिंथेटिक होता है, एक ऑर्गेनिक होती है। तो हम अभी जितने बात करने जा रहे हैं आप लोग के बीच में वो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये 1978 से वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करती है, वो चाहे हेल्थ केयर का हो, ब्यूटी केयर का हो, स्किन केयर का हो, पर्सनल केयर का हो, वेट मैनेजमेंट का हो, यानी जो भी प्रोडक्ट का रेंज देख रहे हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सेफ है, हर्बल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बात करते हैं न्यूट्रिशन का, तो जैसा कि देख रहे हैं न्यूट्रिशन आज के डेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर को जो है बहुत सारे डिफिशियंसी को पूरा करता है। जैसे में देखा जाए तो बहुत सारे एलिमेंट की जरूरत होती है, तो हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आज देख रहे हैं सप्लीमेंट आर टू टाइप्स होता है, एक वाटर सोलेबल होता है, एक ऑयल सोलेबल होता है। जैसे हम लोग आज के डेट में देखा जाए तो हम जो भी, जैसे अपना एक ओमेगा 3 है, ऑयल सोलेबल है, जैसे आप हेमोग्लोबिन खाते हैं, आप बहुत सारे हैं जो कि वाटर सोलेबल है। इस तरीके से न्यूट्रिशन को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात हम लोग देखते हैं बी प्रोडक्ट्स में, सबसे जो पहला जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा आता है बी हनी। ये भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, और जबरदस्त प्रोडक्ट इसलिए है कि आप जानते हैं दुनिया का नंबर वन हनी बनाने वाले कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये यूनिक और पोल्यूशन फ्री जोन, यानी वो इसको जो कहते हैं इसका इन्वायरमेंट होता है पोल्यूशन फ्री होता है, और बहुत हाई माउंटेन स्पेन की पहाड़ी पे इसको कल्टीवेशन किया जाता है, और इसको जो कहते हैं अपने जो सेफ जोन में तैयार किया जाता है, और बिल्कुल केमिकल फ्री, लेड फ्री। इससे क्या होता है, बच्चा का हाइट वेट ग्रोथ होता है, प्लस क्या होता है निमोनिया में बहुत बढ़िया फायदा करता है, कफ, कोल, अस्थमा, साइनस में इसका रिजल्ट बढ़िया पा सकते हैं, प्लस आपको वेट बढ़ाना है तो दूध में डाल के पी सकते हैं, वेट घटाना है तो आप सुसुम वाटर में डाल के भी ले सकते हैं। तो हनी एक है, इसका फायदे अनेक है दोस्तों। अंतर ये है, मार्केट का हनी आप फ्रिज में रखते हैं जम जाता है, बट अपना फॉरएवर हनी रखिएगा कभी जमता नहीं। और डिफरेंट बताता हूँ, क्योंकि मैं आपका फॉरएवर का हनी क्यों लूँ, बहुत बड़ी बात है।
फॉरएवर का हनी इसलिए लेते हैं क्योंकि मार्केट का हनी में देखिएगा जंडू हनी, डावर हनी, हिमालय हनी, तमाम लोग नाम लेके देते हैं, लेकिन फॉरएवर का देखिए क्या लिखा हुआ है, बी हनी। बी मीन्स होता है मधुमक्खी और हनी मीन्स होता है शहद। तो आप समझ चुके होंगे बी हनी लिखने वाला दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। इसका कोड जो देख रहे हैं 207 है और इसमें जो क्वांटिटी है 500 ग्राम का है और इस पे पॉइंट वैल्यू जो है 105 है। तो दोस्तों प्रोडक्ट का पकड़ बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, यानी फिगर देखते ही आपको पूरे दिमाग में उतर जाना चाहिए इसका क्या फंक्शन है, इसका कोड कितना है, क्वांटिटी कितना है, क्योंकि प्रोडक्ट के मास्टर होने का मतलब है एक एक पॉइंट को आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा देख रहे हैं वो है हमारा रॉयल जेली। ये कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों। रॉयल जेली का मतलब ही कहते हैं, जैसे आप गाड़ी में आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति स्प्लेंडर प्लस चलता है, कोई शाइन से चलता है और एक चलता है रॉयल इनफील्ड से। आप समझ चुके होंगे रॉयल इनफील्ड अपने आप को देखिएगा सीना तान करके लोग चलते हैं, क्यों? क्योंकि रॉयल मतलब ही होता है राजा महाराजा। उसी तरीके से आपके पास एक प्रोडक्ट है फॉरएवर ने दिया है जिसका नाम है रॉयल जेली। आप भी इस प्रोडक्ट को खा के अपने आप को रॉयल बन सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान का सेहत फिट है, जिस इंसान की सुंदरता फिट है, जिस इंसान का बॉडी फिटनेस फिट है, स्किन हेल्दी है, बाल आपका सुंदर है, तो समझिए आप रॉयल हैं। तो ये सब पावर है इस प्रोडक्ट में जितना चीज मैंने बताया आपको रॉयल जेली में। जैसा कि आप जानते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ यानी जवानी का फुहारा, आप चाहते हैं कि उम्र बचपन का हो, दिल बचपन का हो, तो ये रॉयल जेली से करिए प्यार, कभी मत करिए इसको इनकार। क्योंकि आप जानते हैं ये जो प्रोडक्ट है क्वीन बी यानी हमारी जो रानी मधुमक्खी का भोजन है। और अच्छी बात इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है नेचुरल, सी डी ई, और आपको बी कम्प्लेक्स विटामिन भी पाए जाते हैं। निश सोर्स है इसका पैंथोनिक एसिड बी कम्प्लेक्स का। तो दोस्तों प्रोडक्ट एक है, फायदे इसके अनेक हैं। पार्किंसन में इसका बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। पार्किंसन मतलब होता है हाथ पैर कांपना। न्यूरो सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है, नर्वस सिस्टम जो उसमें बहुत अच्छा, पैरालिसिस में बहुत अच्छा वर्क है इसका। प्लस इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा पेशेंट है, चाहे वो लेडीज में अंडाणु का प्रॉब्लम हो या जेंट्स में शुक्राणु का प्रॉब्लम हो, दोनों में बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो आप वो देख चुके होंगे, बट ऐसे ही प्रोडक्ट को खाते थे हेयर फॉल भी आपका बंद हो जाता है, प्लस लिकोरिया में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, और लेडीज एंड जेंट्स दोनों में, जैसे इसको आम भाषा में लोग दांत का प्रॉब्लम बोलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ करता है दोस्तों। तो सुपर सुपर रिजल्ट लेना है तो रॉयल जेली अगर हम लोग बिफोर खाते हैं ये सब समस्या कभी आने वाली नहीं है, अगर समस्या आ गई तो जल्दी आप छुटकारा पाने वाले हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग नो डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिशन कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है वो है आपका फॉरएवर आर्टिक सी। ये कमाल का प्रोडक्ट है दोस्तों। ये कहते हैं ना ये ओमेगा 3 एक फैटी एसिड बेनिफिशियल फॉर सेवरल फंक्शनल ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है ओमेगा 3 यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन जहाँ ब्लॉक होगा वहीं से वो सेंसलेस हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी बॉडी को कहते हैं ना गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक ओमेगा 3 होता है, एक ओमेगा 9 होता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और ओमेगा 6 जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों है, तो क्या है गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करके हटा देता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है लिपिड प्रोफाइल को, ये जो डिसऑर्डर होता है उसको नॉर्मल करने में बहुत अच्छा सहायक है ये प्रोडक्ट। जैसे मैं HDL VLDL LDL टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ये सब लिपिड प्रोफाइल का पार्ट है, उसमें ये बहुत बढ़िया रोल देता है फॉरएवर आर्टिक सी। और सबसे ज्यादा केस जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, किन्हीं का बीपी हाई रहता होगा, किन्हीं का बीपी लो रहता होगा, किन्हीं को सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, किन्हीं को माइग्रेन है, किन्हीं को देखिएगा मेंटल डिप्रेशन है। तो दोस्तों उसमें बहुत अच्छा इसका फंक्शन है, प्लस अर्थराइटिस पैनल में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जोड़ों के दर्द में, गठिया वास साइटिका में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, चाहे वो स्पाइनल प्रॉब्लम हो, बैकबोन प्रॉब्लम हो, आप ये सुपर सुपर इसका रिजल्ट आप ले सकते हैं। इसमें फिश ऑयल का कॉम्बिनेशन है सेलमन टूना का, जो वर्ल्ड का बेस्ट वैरायटी का मछली पाई जाती है, और सबसे ज्यादा नेचुरल सोर्स ओमेगा 3 उसमें पाया जाता है। प्लस इसमें ओलिव ऑयल भी मिला हुआ है, जैतून का तेल। तो दोस्तों इससे क्या है ये बॉडी को अकॉर्डिंग टू बॉडी सेफ करता है, सुरक्षित रखता है, पीएच वैल्यू सेम होता है। यानी ओमेगा 3 हम लोग इसलिए जरूरी है कि आई साइड को भी स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटल साइड को स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी साइड को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और प्रेगनेंसी महिला को देते हैं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, प्लस बच्चा हेल्दी होता है, स्मार्ट होता है, और कुपोषण फ्री होता है। आप समझ चुके होंगे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट सबको खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी मेंटली मेहनत ज्यादा करते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग में लोग
कोई कहते हैं ना फिजिकल से ज्यादा मेंटल मेहनत करते हैं, तो मेंटल प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मास्टर मास्टर प्रोडक्ट है। अगर इसको खाते हैं तो भविष्य में हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहती है, बीपी ब्लड सर्कुलेशन हाई नहीं होने का संभावना रहती है, ज्वाइंट प्रॉब्लम का शिकार नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग पहले खाते हैं दोस्तों ये सब प्रोडक्ट, क्योंकि भविष्य में कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बारिश नहीं रोक सकते लेकिन छतरी जरूर लगा सकते हैं। ये आपका ये जो प्रोडक्ट है ये छतरी का काम करता है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। किन्हीं का कोई दवाइयाँ चल रही है उन्हें बंद करने की जरूरत नहीं, उनके साथ ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत है। जैसे आप दवाई के साथ खाना लेते हैं उसी तरह से ये दवा के साथ उच्च क्वालिटी का न्यूट्रिशन है, फूड सप्लीमेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सी प्लस। सी प्लस क्या है? फॉरएवर सी प्लस आज के डेट में चहेते प्रोडक्ट हो चुका है। ये क्या करता है? ये हमारे विटामिन सी जो फाइट करता है फ्री रेडिकल से, बेनिफिट स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत बढ़िया है, और बॉडी को इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करता है। प्लस साथ में क्या करता है, ये हमारे जो है एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला पे काम करता है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो कि विटामिन सी का उच्च सोर्स है, जैसे आंवला फ्रूट्स है, स्पैरडीन है, और इसके अंदर आपका ऑरेंज भी है, ग्रेप्स फ्रूट भी है, लेमन्स भी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसमें विटामिन सी का हाई मात्रा है। और आज के डेट में देखा जाए तो आज लोग अस्थमा से लोग परेशान है, एलर्जी से लोग परेशान है, इम्यूनिटी पावर वीक है, जिनको डिजीज हो गया तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप दिन में 4 बार 6 बार भी ले सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट है। कफ कोल्ड खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है, स्टमक संबंधी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क है इसका। और विटामिन सी खाते हैं तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, आज के डेट में आपको शरीर को इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि अभी WHO का गाइडलाइन भी है कि हर व्यक्ति को विटामिन सी की खुराक लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग क्या गलती कर रहे हैं, सिंथेटिक ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, ऑर्गेनिक उन्हें पहुंच नहीं रहा है। तो दोस्तों सिंथेटिक में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपके पास जो सी प्लस है ये 100% सिक्योर है, सेफ है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है। आप यूज करते हैं तो आप खुद बोलते हैं किसी तरह का बॉडी के अंदर इंफ्लामेटरी सिस्टम हो गया, कहीं पे सूजन है वहां भी खत्म करता है, मसूड़े में सूजन है वहां भी, ब्लीडिंग है वहां भी, बैड स्मेल है उसमें भी बहुत बेटर काम करता है। तो सोचिए प्रोडक्ट एक है, फायदे इसके अनेक हैं। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं यूज एंड शेयर एंड केयर, आप यूज करेंगे तो फिर इसका कभी भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे आज हम लोग ने जो प्रोडक्ट खाया छोड़ेगा क्या, साइड इफेक्ट इस कंपनी का क्या होता है, मैनेजर ही लोग बन जाते हैं, मिलेनियर ही बन जाते हैं, कार प्लान अचीवर बन जाते हैं, ये प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट है दोस्तों। लोग पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट क्या है, दोस्तों खाते हैं तो हेल्दी होते हैं और बताते हैं तो ये सारा चीज मिल जाता है। तो सोच के देखिए खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है फॉरएवर एक्टिव प्रो वी, मतलब क्या होता है दोस्तों, बेनिफिशियल माइक्रोवेब्स गुड बैक्टीरिया को आर कॉल्ड प्रोबायोटिक, यानी शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको प्रमोट करता है, बचाता है, ग्रो करता है, ये प्रोबायोटिक का काम है। अगर गुड बैक्टीरिया की कमी होगा तो इम्यूनिटी पावर लॉस हो जाएगा तो आप बीमार जल्दी पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी दवाइयाँ कोई काम शरीर पे नहीं करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आप जो खाना खाते हैं सही ढंग से नहीं पचेगा, तमाम तरह का प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्रिक का शिकार बन जाने हैं। तो दोस्तों जिनको लीवर का प्रॉब्लम है, जिनको खाना सही से नहीं पचता है, जिनका बार बार लूज मोशन होते हैं, जिनका शरीर नहीं ग्रो कर रहा है, उनके लिए एक्टिव प्रो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप जेल पीते हैं, नेक्टर पीते हैं, इसमें सुबह एक ले लीजिए, साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और एक डेली लीजिए, इसमें 30 है, यानी दिन में एक ही लेना है दोस्तों। और इसमें अच्छी बात यह है कि हाई टेक्नोलॉजी पेटेंटेड फार्मूला से बना हुआ है, और इसमें जो हमारी छोटी हाथ होता है, बड़ी हाथ होते हैं, उसमें लार्ज बॉवेल्स और स्मॉल बॉवेल्स उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा पाचन क्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पेट संबंधी प्रॉब्लम के लिए आपको एक्टिव प्रो भी चलाइए, सुपर सुपर रिजल्ट आप मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है, बहुत लोग खाते बहुत है बट लगता नहीं, हमको एक्टिव प्रोबायोटिक अवश्य दीजिए, सुपर रिजल्ट देगा। नेक्स्ट जो हमारा देख रहे हैं आरजी प्लस, दिस इज ड्रामेटिक प्रोडक्ट एंड मेरेकल प्रोडक्ट्स। इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार विनर प्रोडक्ट है, इसका जो आविष्कारक है डॉक्टर नव आपका फेरीद मुराद नोबेल पुरस्कार विनर, उनको इसलिए मिला था, उन्होंने एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड एक एलिमेंट्स है जिन्होंने खोज किया, वो हमारे शरीर को ग्रो करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी लाता है, चाहे वो न्यूरो सिस्टम है, चाहे वो कार्डियो सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कहते हैं 11 जो सिस्टम है
पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग करने में मास्टर है इसका। इसके अंदर है क्या, जैसे आप समझ रहे हैं, ग्रेटर ब्लड वेसल्स को खोलने वाला प्रोडक्ट है, यानी हमारी जो बॉडी में होते हैं वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते हैं उसको ये खोलने में बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है पॉमीग्रेनेट जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रेप स्किन, ब्लैरी बेरी एक्सट्रैक्ट जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम को लिए बहुत बढ़िया है, खास करके इसको एथलेटिक्स लोग के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, मसल्स को यानी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप जेल में डाल के इसको पीजिए 3 से 6 महीना, देखिए जैसा ही लाल है वैसा लाल आपको भी करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं हाई क्वालिटी का है, सोच के देखिए ये प्रोडक्ट आई कार्डी पे 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, लिमिट प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है, सोच के देखिए क्या प्रोडक्ट है। और थैंक गॉड इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे हाथ में आते हैं, अगर ये प्रोडक्ट अगर चलता है तो भविष्य में पोलियो लकवा पैरालिसिस पार्किंसन का शिकार नहीं होंगे, कभी भी नर्वस सिस्टम ब्लॉक नहीं होगा, कभी भी आपको पैर में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं आएगा, कभी भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं आएगा, ये सब चीजें से हम लोग बचेंगे दोस्तों। और कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो दोस्तों पैसा तो हम है तो पैसा है, हम नहीं तो पैसा खत्म। तो ये जो प्रोडक्ट है लोग कहते हैं महंगा है, दोस्तों महंगा तो आप हैं, महंगा तो आपका पार्ट है, महंगा तो आपका सिस्टम है, महंगा तो आपका ऑर्गन है, महंगा तो आपका सेल है जो कि एक बार प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो नानी हाथ दिला देता है। दोस्तों जिनका इम्यूनिटी पावर खराब हो गया आज देखिए कहाँ चले गए, सारा धन छोड़ के चले गए, चाहे वो अरुण जेटली जी हैं, चाहे सुषमा स्वराज जी हैं, और चाहे तमाम लोग स्टीव जॉब्स, देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गज चले गए, कारण क्या है समझिए बात को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग से ज्यादा महंगा कुछ नहीं है, हम खुद महंगे हैं, हम खुद हमारी मतलब कह सकते हैं यानी हमारे आगे सब कुछ छोटा है। क्योंकि आप जब तक आपकी वैल्यू कब पता चलेगा, जब ऐनक के सामने खड़ा हुई मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट को छीन ले तो समझिए क्या होने वाला है। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप खाते रहिएगा पैसा तो आते रहेगा। दोस्तों जब आप स्वस्थ हैं तो भी पैसा का बरसात होगा। तो फॉरएवर आरजी प्लस मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, ये हम लोगों को ज्यादा खाना चाहिए। देखिए दोस्तों कहते हैं ना बड़ा सोचिएगा बड़ा बनिएगा, बड़ा खाइएगा तो बड़ा पैसा कमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी हमारे आरजी प्लस हाई लेवल का प्रोडक्ट है और इसका हाई लेवल रिजल्ट भी है, हाई क्वालिटी रिजल्ट है और क्विक रिजल्ट है। तो आप चाहते हैं फिट दिखना और स्वस्थ दिखना, हेल्दी लाइफ जीना, तो मैं कहता हूँ आरजी प्लस एलोवेरा जेल को आप एकदम ड्रिंक फॉर्म में इसको पीजिए, वंडरफुल रिजल्ट है। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर है जो महीना में 23 एलोवेरा पीता है, 1 एलोवेरा डेली पीता है, 1 पाउच डेली पीता है। मैं वैसे ऐसे कस्टमर आज से नहीं 4 साल से पेटेंट है दोस्तों, और मतलब कह सकते हैं प्रोडक्ट में पावर है दोस्तों, क्योंकि मैं एक बार समझाया उन्होंने बार बार पी रहे, तो समझिए हमारे में पावर नहीं प्रोडक्ट में पावर है। लेकिन हाँ प्रोडक्ट में पावर है तो आप में भी पावर होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में भी पावर होनी चाहिए। लोग बोलते हैं सर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं। फिर मैं बोलता हूँ दोस्तों एक किडनी खराब हो जाए, आप किसी को बोलिए भाई आप 20 करोड़ देंगे, किडनी देगा नहीं देगा सर, तो सोचिए वैल्यू कितना है, ये प्रोडक्ट कितना है सर, 4 से 6 हजार का प्रोडक्ट है। मैं कह रहा हूँ आप सोचिए एक किडनी आपका 50 करोड़ का है तो 2 किडनी कितने दाम का है, आप समझ चुके होंगे आपका मूल्य कितना है। तो दोस्तों क्वालिटी कभी सस्ते नहीं होते, सस्ते चीज कभी क्वालिटी नहीं होती है। महंगा सस्ता तो कुछ होता ही नहीं, रिजल्ट होता है तगड़ा, और एक प्रोडक्ट दिया सस्ता रिजल्ट नहीं है तो बेकार है, और आपका प्रोडक्ट बॉडी में साइड इफेक्ट किया तो भी बेकार है। हमारे प्रोडक्ट उससे रेटिंग है, साइड इफेक्ट तो नाम ही नहीं लेना है, फायदा करेगा नुकसान नहीं करेगा दोस्तों, ये 43 साल का रिकॉर्ड है। और बात करें इम्यून ब्लेंड का, फॉरएवर एमू ब्लेंड, एमू ब्लेंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कहते हैं ना इसको आज के डेट में चहेते प्रोडक्ट हो गए हैं, और ऑल इन वन इसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्लस नेचुरल डिफेंस का काम करते हैं, ये हमारी बॉडी को मैकेनिज्म को डिफेंस यानी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आज मोदी जी को जानते हैं आप, यानी कि एयरफोर्स नेवी आर्मी सारे लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसको डिफेंस के रूप में प्रदान करता है। आपके सुरक्षा कवच एमोब्लेंड अगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आएगा तो पहले उससे टकराएगा, कहेगा भाई इसका तो सुरक्षा बहुत तगड़ा लगा हुआ है, यानी हाई कमांडिंग यानी जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा लगा हुआ है, वो है आपका एमोब्लेंड। यानी जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, डिजीज यानी डिजीज से बचाता है, यानी बीमारी होने से बचाता है, और साथ में ये हमारे किसी तरह का डैमेज पार्ट होते एलिमेंट्स होते हैं उसको भी मरम्मत करने में काम करते हैं,
और एमओ ब्लेंड से आपको पता चल रहा होगा इम्यूनिटी पावर के लिए डब्ल्यूबीसी को स्ट्रॉन्ग करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है समझ रहे होंगे आप, ब्लड आर थ्री टाइप्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तो ये डब्ल्यूबीसी को स्ट्रॉन्ग करेगा। डब्ल्यूबीसी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं दोस्तों, और आपका सेल जल्दी रिकवर करता है और सेल भी रिजनरेट होता है। इसके बाद ये हमारा इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है और ये हमारे बॉडी को बायोलॉजिकल तरीके से काम करता है और सारे सिस्टम को ऑपरेट करने में सहायक होता है। इसमें लैक्टोफेरिन होता है जो कि ऑप्टिमम लेवल का बेनिफिशियल बैक्टीरिया को प्रमोट है, जो कि इंटेस्टाइन में खाना को पाचक रस बनाने में सहायक होता है। इसके बाद इसमें माइटिक साइटिक मशरूम होता है जो कि इम्यूनिटी पावर को प्रोडक्शन करता है, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम को हेल्दी करता है। साथ में विटामिन डी है जो स्ट्रेंथ करता है इम्यून सेल को, और विटामिन सी और जिंक है जो फ्री फाइट करता है रेड कल से। जैसा कि आज देख रहे हैं डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस है, जिनको कोरोना वायरस है तमाम तरह का जो वायरस से बचना है तो उसमें विटामिन सी चाहिए, जिंक चाहिए, डी चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, बाजार से विटामिन सी का अलग पत्ता ले रहे हैं, विटामिन डी का अलग पत्ता ले रहे हैं, जिंक का आयरन का अलग ले रहे हैं। दोस्तों अलग अलग ले रहे हैं फिर भी आपके हाथ में नहीं जा रहा है, और वो खाएंगे तो आपका लीवर किडनी खराब होने के चांस है, बट आपके पास ऑल इन वन है। एमओ ब्लेंड खाइए इम्यूनिटी पावर के लिए, मस्त मस्त हो जाइए। और इसका रिजल्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिजल्ट एक दो को नहीं है, लास्ट में आप देखिएगा बहुत सारे यहाँ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी में से आपको टेस्ट मनी भी आ जाएगा, बहुत रिजल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हमारा न्यूट्रिशन मी फॉरएवर विटुलाइज। ये मेंस के लिए डिजाइन है और वो मेंस के लिए भी आते हैं, दोनों के लिए आते हैं दोस्तों। ये प्रो सिक्स प्रोस्टेट के लिए बहुत बेटर रिजल्ट है। इसमें प्रो सिक्स हमारे एक प्रोडक्ट था, उसको रिप्लेसमेंट करके ये विटुलाइज में कर दिया गया है, और ये खास करके जिनको पेशाब रुक रुक के होता है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। मल्टी विटामिन मिनरल से भरपूर है, इसमें विटामिन सी का मात्रा है, विटामिन डी का मात्रा है, विटामिन ई की मात्रा है, यानी जिनको प्रजनन क्षमता के कमजोरी उनको भी काम करेगा, जिनको स्किन प्रॉब्लम उनको भी काम करेगा, जिनको कैल्शियम की कमी है उनमें भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो दोस्तों जिनको आयरन की कमी है उसमें भी वर्क करेगा। तो प्रोडक्ट एक है, फायदे इसके अनेक हैं, आप समझ चुके होंगे कितना फायदेमंद प्रोडक्ट है, बट अभी काउंटर पे नहीं है, जैसे ही आता है बेहतरीन तरीके से इसको इंजॉय करके। और प्रोस्टेट का जो प्रॉब्लम होता है जनरली मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत बढ़िया इसीलिए इसको लिखा है विटुलाइज मेंस। और इसके साथ एक प्रोडक्ट आता है विटुलाइज वुमेन्स। तो दोस्तों हमारे जो न्यूट्रिशन है, इस तरीके का न्यूट्रिशन का अभी सेशन देखा आप लोगों ने, और ये न्यूट्रिशन का जो रेंज है बड़ा जबरदस्त रेंज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रोडक्ट बिकता नहीं है, ये हम लोग क्या करते हैं नॉलेज को शेयर करते हैं। आई एम नॉट प्रोडक्ट सेलर, आई एम अपॉर्चुनिटी सेलर, यानी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी सेलर हैं दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट सेलर नहीं है। प्रोडक्ट सेलर तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के काउंटर हैं, वहाँ के स्टाफ सेलर हैं करते हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं, यानी हम लोग वेलनेस एडवाइजर हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। तो दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं कौन सी कैटेगरीज में आती है, ध्यान दीजिएगा, इसको मेडिसिन शब्द का प्रयोग मत करिएगा, गारंटी शब्द का प्रयोग मत करिएगा, क्योर शब्द का प्रयोग मत करिएगा, इसलिए कि न्यूट्रिशन है, पपीता देते हैं तो कभी क्योर शब्द का प्रयोग नहीं करते, दूध पीते हैं तो कभी हम गारंटी वर्क का प्रयोग नहीं करते। उसी तरीके से ये सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, हम जानते हैं कि दूध दवाई से हजार गुना फायदेमंद है, जो आपको दवाई से पपीता हजार गुना फायदेमंद है, उसी तरह से हमारे जो प्रोडक्ट है हेल्थ प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। दवाई करके दीजिएगा तो दो महीना खा के छोड़ देगा, लेकिन फूड सप्लीमेंट लोग समझेंगे तो ता उम्र खाएंगे, जिंदगी भर खाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हर आदमी पैसे कमी किसी के पास नहीं है, अगर पैसे कमी रहता तो पिलर का मकान नहीं बनता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हर घर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ उनको समझाने आना चाहिए। अब सोना तो है लेकिन बेचने वाला लोहा का उसके पास क्वालिटी है तो सोना कैसे बेचेगा, आपके प्रोडक्ट हीरा है दोस्तों, आपके पास हीरा समझाने का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग चल रही है इस स्लाइड के माध्यम से हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों का लाइफ बदल चुका है दोस्तों, जो स्लाइड के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, यही स्लाइड का परिणाम हम लोग हैं, संजीव सर हैं, तिवारी सर हैं, तमाम लोग हैं, सारे लोग इसी स्लाइड का परिणाम है। लेकिन हाँ होता है क्या, लोग बोलते हैं यार यही स्लाइड यही ट्रेनर दोस्तों सब कुछ यही 43 साल से है, लोग यही यही करके आउट हो जाते हैं, कोई लोग इसको अपने आप में डाइजेस्ट करके लोग जिंदगी बदल देते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कितने लोग हम फॉरएवर को हम जानते हैं, कैसे जानते हैं भाई, ट्रेन में सुना था, मेट्रो में सुना था, भाई साहब सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन तो सबको जानता है, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, हजारों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों, अमिताभ बच्चन कितने को जानता है, फर्क उस दिन पड़ेगा दोस्तों। यानी हम और आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, अमिताभ बच्चन जिस दिन हम लोग को जानेगा उस दिन फर्क पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए फॉरएवर लिविंग को
जानने समझने से फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जब तक फॉरएवर को आप यूज नहीं करेंगे, जब तक आप फॉरएवर को नहीं समझेंगे, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग हैं, क्योंकि इस कंपनी में आज 7 से 8 साल होने जा रहा है, और ड्रीम था 20,000, आज यहाँ से लाखों का चेक उड़ाया। ड्रीम था 2 व्हीलर, आज 4 व्हीलर। ड्रीम था कि मैं ये अपना छोटा सा, लेकिन आज मैं वो भी बड़ा सब कुछ कर लिया। तो दोस्तों पावर ऑफ फॉरएवर है, पावर ऑफ प्रोडक्ट है, पावर ऑफ ड्रीम है, और सबसे बढ़िया पावर है मेंटोर का, कोच का। और संजय गुप्ता सर को सैल्यूट है, जो हम लोगों को टाइम टू टाइम हर मौके पे मतलब क्लिक करते हैं और एक अच्छा गाइडलाइन देते हैं, जिससे सर को हम लोग अपने जीवन में उतारा और उसी मार्ग पे चल के आज जो कुछ है। हमारे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये कोई मेडिसिन कैटेगरी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये कोई प्रिस्क्राइब डोज नहीं है, और ये आपकी बॉडी जितना डिसाइड करे उतना ले सकते हैं। कम्प्लीटली नेचुरल है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अच्छी बात इसके बारे में बताया जाता है, ये हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, और आपके पास हाईएस्ट नॉलेज होना चाहिए, हाई क्वालिटी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। प्रोडक्ट महंगा नहीं, क्वालिटी ना आपका छोटा रहेगा तो छोटे लोग तक पहुंचेगा, मिडिल आपके पास नॉलेज रहेगा मिडिल क्वालिटी के लोग मिलेंगे, जिस दिन हायर क्वालिटी आ जाएगा उस हायर क्वालिटी के लोग मिलेंगे। और पृथ्वी पे हर तरह का लोग हैं सर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कोई मोटरसाइकिल वाले भी हैं, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई ऑडी, कोई फॉर्चूनर वाले भी लोग हैं, कोई रोल्स रॉयल वाले भी लोग हैं सर। अगर वैसे लोग नहीं होते सर, तो वो प्रोडक्ट बनता नहीं। और फॉरएवर तो खैर कहने नहीं, तो आम प्रोडक्ट है, इसको शहर से ज्यादा गांव के लोग खाते हैं। जैसे हम लोग ग्रामीण लोग मैनेजर बने हुए हैं, सबसे ज्यादा रेशियो देखे ग्रामीण लोग मैनेजर है इसमें। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे, आप हमारे बहुत खास हैं, और हम चाहते हैं आप सुरक्षित हाथ में हैं। इसलिए एक बार जो इस सेशन को अटेंड किया, जिनने आपको बुलाया, उनने बैठ के काफी डिस्कस करिए, और मैं चाहूंगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट जितना आपने समझा, समझ के आप 50% समझे होंगे, और खाएंगे तो 100% समझ जाएंगे। और ज्यादा हेल्पलाइन की जरूरत होगा तो हम लोग आपके साथ में हैं, हमेशा साथ में हैं। और इसी के साथ मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग समाप्त होता है दोस्तों। और आप लोग को ये ट्रेनिंग कैसे लगी, थोड़ा सा अपने स्लाइड के माध्यम से आप लोग बताएंगे दोस्तों। और सुशील सर को एक बार फिर हैप्पी हैप्पी वेलकम करता हूँ, आप आए सर और सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सुशील सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे इस सेशन में जो सोचते हैं कि मैं सर से भी अच्छा बोल सकता हूँ, सर से अच्छा कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमें आप लोगों के जैसे लोगों की ही जरूरत है। सो प्लीज देखिए, कोई भी इंसान ठीक है, रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन कभी भी ना बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से समझा सकते हैं, कुछ सर सॉरी चाहूंगा, मेरे पे पर्सनल मैसेज आ रहे थे, तो ये मैसेज मैं सबको देना चाहूंगा कि हमारे माइंड में अक्सर ना हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान हम ट्रेनर को जज कर रहे होते हैं कि मैं इससे अच्छा बोल लेता, मैं इनसे अच्छा। दोस्तों एक चीज याद रखिए, अगर आप सामने वाले से अच्छे होते तो आप स्क्रीन पे होते, लेकिन हाँ आप उनसे अच्छे हैं तो आप कब और अच्छे हो जाएंगे, जब आप अच्छे होने के लिए खुद को डेवलप करेंगे। ठीक है, आप इस ट्रेनिंग को सेशन को बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन आपके पास लोग भी तो होने चाहिए। तो डोंट माइंड, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर ने जो नॉलेज दी वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज, मेरे पे तो शब्द कम है, मैं तो नोट्स बना रहा था और सर ने आउट स्टैंडिंग लेवल का सेशन दिया। और सर देखिए, आपके लिए तो कमेंट्स भी आ ही रहे हैं कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग। सर को खुश कर दीजिए, इतना इतना मतलब कि आप लोग ये दीजिए, है ना, इतने ज्यादा मैसेजेस कीजिए कि सर खुश हो जाए और नेक्स्ट टाइम से भी आकर के, आज जो उन्होंने 100% अपना दिया है, नेक्स्ट टाइम से भी दे। और सर आपके बारे में जितना बोला जाए कम है। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा हम सबके गुरु मिस्टर संजय गुप्ता सर का, और उन्हीं के द्वारा चाहूंगा इस सेशन को बाइंड अप किया जाए। सो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मिस्टर संजय गुप्ता। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू महेश जी। महेश जी हमेशा की तरह एनर्जी से भरपूर, और मैं एक चीज जानता हूं, जिस सेशन को आप ले रहे थे, फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल सकते हैं, फर्क ये पड़ता आप कितना अच्छा समझा सकते हैं। बोलने से नहीं फर्क पड़ता,
आप सड़क पे चिल्ला रहे हैं लेकिन आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे इतना शोर मचा रखा जिसकी वजह से उनकी कानों में दर्द होना शुरू हो गया, आसपास के लोग अच्छा नहीं बोल रहे, लेकिन आप इतना मधुर बोल रहे हैं कि दूर दूर से लोग आपको सुनने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं कि कैसी अच्छी वाणी से बोल रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, फर्क ये पड़ता है आपका बोला हुआ वाक्य कितने लोगों ने समझा। महेश जी, फॉर एवर न्यू प्रोडक्ट्स के स्टेज के ऊपर प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, और आज फॉरएवर इंडिया के अंदर करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोगों के अंदर से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो स्टेज पे जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आप इस कंपनी में आ जाएंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, और वो भी साधारण लोग वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी आपका वेलकम है। अगर आप लोग जज करते हैं तो हम अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है, बेशर्ते अगर आप परीक्षा लेते रहेंगे तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारी परीक्षा ना लें बल्कि अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप अपने लेवल की बात कीजिए। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी AS बनिए, अगर आप सुपरवाइजर नहीं है तो आप सुपरवाइजर बनिए, आप AM नहीं है तो आप AM बनिए, आप मैनेजर नहीं है तो आप मैनेजर बनिए, अगर आप मैनेजर रिटेड क्वालिफायर नहीं है तो आप वो कीजिए, आप अगर इंटरनेशनल क्वालिफायर नहीं है तो आप वो कीजिए, आप जज मत कीजिए, जज करने से आपकी जजमेंट गलत हो जाएगी और वो जो मीटिंग देता वाला व्यक्ति कहीं का कहीं निकल जाएगा और आप जज करते करते वहीं रह जाएंगे, इसलिए आप किसी को जज मत कीजिए। आज का सेशन जबरदस्त था, और मैं महेश जी के पास इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज है क्योंकि बाय प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन है। जब लैब टेक्नीशियन आम लोगों को जो लैंग्वेज समझ भी नहीं आती वो लैब टेक्नीशियन ही जानते, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर है जब हम लोग अपनी कोई भी रिपोर्ट करवाते हैं ना, हम समझ तो रहे होते हैं कि उसमें एक सीटी वैल्यू लिखी होती है कि आप इतने तक ठीक है और इतने पे जाके आप खराब हो जाते हैं, इतने जाके आपके हो जाती है, लेकिन एक्चुअल उस भाषा को पढ़ने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और उस पढ़ने पढ़ बी फार्मेसी करके लैब टेक्नीशियन बनते हैं, महेश जी वो थे। और जब ये मेरे पास आए थे तो इन्हें भी समझाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये सिकनेस इंडस्ट्री से आते थे, और सिकनेस इंडस्ट्री के पास जब किसी डिजीज के बारे में बात करते थे तो इनके पास अपना एक अनुभव होता था, इतने केमिकल के नाम गिनाते थे जितने हमने अपनी जिंदगी में नहीं सुने होते थे, लेकिन एक ही चीज बताई थी कि भैया मुझे नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स आपके जीवन में क्या चमत्कार करेगा, मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पाऊंगा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन एक काम कीजिए आप केवल इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, अगर आपको कुछ फायदा लगता है तो यकीन मानिए ये प्रोडक्ट्स आप अब दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे को समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अनपढ़ इसलिए नहीं समझता कि कहीं मुझे बुड़बक तो नहीं बना रहा, मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, पढ़ा लिखा समझना इसलिए नहीं चाहता कि मुझे समझाएगा, मैं दुनिया को समझाता हूँ ये मुझे समझाएगा, केवल इसके बीच का एक ही काम रह जाता है कि सामने वाले को किसी तरीके से ये प्रोडक्ट उसके गले के नीचे उतार दीजिए। मेरा भी फोकस यही था कि किसी तरह महेश जी के गले के नीचे ये प्रोडक्ट चला जाए, और पावर अपने आप प्रोडक्ट दिखा देगा, और उसके बाद रिजल्ट महेश जी ने करके दिखा दिया, क्योंकि जब इनको समझ में आया फिर ये रुके नहीं, इनके पास सब कुछ था, विटामिन एम था लेकिन इनके जीवन में विटामिन डी कम हो गया था, और विटामिन डी कम हो गया था तो इनके पैरों में प्रॉब्लम आ गई थी, इनकी हड्डियां कमजोर हो गई थी, ये दुनिया का विटामिन डी ढूंढ रहे थे लेकिन अपना कम होता चला गया, लेकिन जब फॉरएवर इनके जिंदगी में आए और इन्होंने एक निर्णय लिया कि इसको मैं अब अपने गांव में जाके करूंगा, अपने क्षेत्र में जाके करूंगा, अपने लोगों के बीच में जाके करूंगा, और निर्णय इंसान यही नहीं ले पाता सर, वो दूसरे के निर्णय के ऊपर अपना निर्णय थोपता है कि उसने ये काम अच्छा किया, उसने ये काम बुरा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, और उस टाइम भी लगभग ये 14-15 हजार रुपए की सैलरी पे थे, अच्छी अर्निंग थी, लेकिन उन्होंने उसको क्यूट करके अपने बिहार की तरफ चले गए, और स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया इन लोगों ने, बहुत स्ट्रगल किया। मुझे आज भी याद है विजय तिवारी, और जब इनने महेश ने जब निर्णय लिया था कि हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स करेंगे, तो विजय तिवारी ने जब अपने घर पे बताया था तो उसके पापा ने उसे बहुत डांटा था और कहा था घर पे मत आइयो, और महेश जी ने जब निर्णय लिया था तो सेम हुआ था, उसके पापा ने बोला था भाई मूर्ख तुझे पढ़ा लिखा के इसलिए बनाया था कि तू कुछ करे, तू नौकरी छोड़ के गांव में आ जाएगा, मेरी इज्जत कट जाएगी, मेरी नाक खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके फादर भी प्रैक्टिस करते हैं, बाय प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस करते हैं, और जिसकी वजह से वो बोले कि तू गांव में मेरी बदनामी कर देगा तो गांव में मत आइए।
एक लिमिटेड साधन के साथ, एक लिमिटेड इनकम के साथ ये दोनों आ गए बिहार के अंदर, और वहां से जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो इन्होंने भी बड़े कष्ट उठाए यार, बहुत कष्ट उठाए। लोग नहीं मिलते थे, लोग नहीं समझते थे, टीम बनती थी टूट जाती थी। एक समय तो ऐसा आया कि ये लोग मैनेजर क्वालिफाई करने वाले थे तो उस टाइम प्रोडक्ट क्राइसिस हो गए, अचानक ही प्रोडक्ट कम हो गए, क्योंकि उस टाइम FSSAI आया, फूड सेफ्टी कंट्रोल करके एक एक्ट आ गया, उसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स बंद हो गए सडनली आना। यानी जो लेवल उनका उस टाइम निकलने वाला था वो अंधकार में चला गया, और बड़े परेशानी में थे। एक डेढ़ महीने तक कोई प्रोडक्ट नहीं था हम लोगों के पास, केवल एक हौसला था कि अगर करेंगे तो यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। मुझे आज भी दिन याद है कि विजय का मेरे पास फोन आया और विजय तिवारी ने मुझे एक बात बोली कि सर मेरा इस महीने लेवल निकलने वाला था वो मिस हो गया, अब अगले महीने मेरा क्या होगा। मैंने केवल एक ही बात बोला कि भैया तेरी शादी नहीं हुई, तू बैचलर है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास पूरा परिवार है, अगर मैं इसके साथ अगर स्ट्रगल कर सकता हूँ तो तू भी करके देख, अगर मैं रुका हुआ हूँ तू भी रख के देख, अगर मैं सफल होऊंगा तो तुम भी सफल होंगे, केवल हौसला बना के रख, क्योंकि मिस्टर रैक्स की कंपनी है और ये कंपनी उस टाइम भी बहुत अच्छी टर्नओवर करती थी। कंपनी 500 करोड़ का टर्नओवर करती है और वर्ल्ड वाइड ये 25,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, 2,000 करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी का बाहर से आता है, और 500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ऐसे नहीं छोड़ देगी, क्योंकि मिस्टर रेक्स का आज तक है, जिस कंट्री में इसने ऑफिस खोला कभी वापस नहीं गया। मैं विश्वास रख, प्रोडक्ट्स आएंगे, हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे, हम अच्छी टीम का निर्माण करेंगे, उसका वो मोमेंटम, ये डिसीजन का मैं बता रहा हूँ, बनने और बिगड़ने का यही डिसीजन होता है बस। इन दोनों ने विश्वास रखा, नतीजा क्या हुआ, मैनेजर बने, मजबूत टीम के मालिक बने, मिलीनियर बने, मैनेजर रेटेड क्वालिफायर बने, कार प्लान लिया। आज यही मैनेजर नहीं, इनके ग्रुप में बहुत सारे मैनेजर है। मैं केवल आपको छोटा सा संदेश केवल ये देना चाह रहा हूँ, किसी को जज मत करो, जज करना है तो आप अपने आप को जज करो, क्योंकि रहीम जी ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जो मैंने झाको आप ना मुझसे बुरा ना कोई। अपना अपने में देखो कि आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे को जज मत करो। क्या आप में क्षमता है इस महीने के अपना लेवल निकालने की, क्या आप मैनेजर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या आप AM क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कर रहे हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप अपने 1+3 कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को जज करना शुरू कर देंगे तो फॉरएवर में इतना सफलता है, इतनी सफलता है, इतनी सफलता है, इतना पैसा है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लोग रिगार्ड देंगे, आप लेते लेते थक जाएंगे। क्या आप लोग लेना चाहेंगे? मैसेज नहीं आ रहा आप लोगों का, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है? सुशील जी सुन पा रहे हैं मुझे लोग? यस सर, यस सर। क्या ये सब चीजें लेना चाहेंगे? बिल्कुल सर, दो दो बार सर, दो दो हाथों से। नो पेन नो गेन, अगर दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है ना तो खुशी का एहसास मत कीजिए। अगर आज कोविड ने अगर हमें किसी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, अगर आपने मान लिया आप डिस्टर्ब है, आपका बिजनेस नहीं है, तो यहीं से आप थक के घर चले जाइएगा सर। लेकिन घर की तरफ जाने के लिए आपको 60 कदम पीछे चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रुक गए आगे 40 कदम और चलेंगे, सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन ज्यादातर लोग टूट जाते हैं सर, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है, वो दूसरों के लिए राय रखते हैं, उनके अपनी निजी जिंदगी के ऊपर कोई राय नहीं रखती। बनने और बिगड़ने का मोमेंटम यही है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति रुक जाता है, यहाँ व्यक्ति अगर स्टेबल कर जाता है, और यही व्यक्ति से अगर यहाँ पे, मैं बार बार अगर क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, बिखरने और टूटने का यही मोमेंटम है। अगर यहाँ पे टिक गया कोई व्यक्ति तो आने वाला समय उसी का है, आने वाले समय का मिलीनियर वही है, आने वाले समय का बिलीनियर वही है, आने वाले समय का रोल मॉडल वही है, आने वाले समय में लोग उसकी फोटो लेके जेब में चलेगा और उसको बोलेगा कि मुझे इनके जैसा बनना है। बनना और बिगड़ना दोस्तों आपके हाथ में है। हम लोग सिर्फ आपको फ्यूचर बता सकते हैं, हम लोगों का आपको कैरियर बता सकते हैं। हमने अगर सफलता ली है तो हम आपको बता सकते हैं कि मैं सफल हुआ हूं, आप भी सफल होएगा। आपको विश्वास करना है नहीं करना है, जिंदगी आपकी और फैसला आप ही को करना है। मैं आपके लिए हमेशा प्रेयर करूंगा कि आप बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करें, आपके नेगेटिव से आप दूर रखें, लेकिन जब तक आप अपने लिए नहीं चाहेंगे तो मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग मेरी टीम में, मेरे ग्रुप में, वो मुझसे अच्छे स्पीकर बने, मुझसे अच्छे अचीवर बने, मुझसे ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी टीम में बहुत अच्छे लोग कमाने वाले रहेंगे तो
तो मैं भी मजबूत रहूंगा। दुनिया का एकमात्र बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे अपलाइन चाहती है उसकी डाउनलाइन उससे ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि यहाँ पे आपकी सफलता से ही मेरी सफलता है। रमेश जी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, अपना बहुत अच्छा किया, और मैं तमाम सब लोगों साथियों को बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐसे लीडर को सुना जिनकी ट्रेनिंग लेने के लिए पटना ऑफिस में टोकन लगता था और दो दो घंटे की ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन आज जूम के माध्यम से यहाँ पे आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सुशील जी का, जो सही समय पे ऑर्गेनाइज करते हैं, वीडियो चलाते हैं और सही समय पे लोगों को जागरूक रखते हैं। ऐसे लीडर का भी होना बहुत जरूरी है। सुशील जी आने वाले समय में आपका भी फोटो लोगों की जेब में रहने वाला है, आप इस ग्रुप के रोल प्ले हैं। आप लोगों का साथ है सर। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ, बाकी आप कुछ कहना चाहें और आगे सेशन को खत्म करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ और भी कई लीडर हैं जो कि बिहार के धुरंधर लीडर सब हैं। तो प्रोडक्ट का टेस्ट मनी डॉक्टर महेश सर हैं, सुशील सर उनको लिया जाए एक मिनट के लिए। ठीक है डॉक्टर महेश जी, आप अपने वीडियो को ऑन करके हाथ खड़ा करेंगे। ओके, मैं अब आप अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको कर दिया। एक बार और यस, वेलकम है सर आपका जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, टेस्टिमोनी की बात है तो सबसे पहले मेरा खुद के लिए कि डायबिटीज के लिए मैं प्रोडक्ट चला रहा था उसके लिए तो है ही, लेकिन एक और एक अजूबा चीज आपको बताते हैं कि मेरे मुंह में छाले का एक प्रॉब्लम था जिसको मैंने अपना तो प्रोडक्ट अभी 4-5 महीने चलाए थे दवा, अपना से नहीं ठीक हुआ तो सिवान में एक मुंह के डॉक्टर है उनको मैंने 9 महीने चलाया लगातार, लेकिन कोई भी टच से मस्त नहीं हुआ। और उसको मोबाइल से खींचने के बाद ऐसा लगता था, स्थिति एकदम डेंजरस देखने में लगता था कि माउथ का कैंसर हो गया है, लेकिन एलोवेरा जेल और पेस्ट का कमाल है कि आज वो 100% ठीक है। बहुत सुंदर, अपने शॉर्ट में बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी रखा है डॉक्टर साहब जी। इसको लेकर हमारी बहुत चिंताएं होती थी कि लगता है कि हमारे लोग कहते हैं कि छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, वही चीज हमारे ऊपर हो गया था कि इतनी कम उम्र में इतना डेंजर रोग, मेरे को यही सता रहा था। लेकिन थैंक्स है एलोवेरा जेल और पेस्ट का आकि हमारा 100% वैसी उस चिंता को दूर किया ये प्रोडक्ट सर। बहुत अच्छा लगता है, आज लगभग मैं 6 महीने से डायबिटीज का भी एक गोली नहीं लिया हूँ और अभी तक मेरा डायबिटीज भी ठीक है, और पहले मैं मिर्च का एक दाना भी अगर पड़ जाता था तो मेरा जान निकल जाता था, लेकिन आज के डेट में मैं पूरी मिर्च चबा के भी खा लेता हूँ तो उतना परेशानी नहीं होता। क्या बात है, वेरी नाइस। सर आप जल्दी मैनेजर बने, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और आप जो है मेरा आप डबल रोल हैं, और महेश जिस वर्ड में लग जाता है सर समझिए शंकर का रूप है। बस आप भोला भंडारी का बराती जानवे करते हैं, भूत बैताल जाता है, और आपके नीचे टीम में पूरा भूत बैताल आने वाला है, टेंशन नहीं लीजिएगा। बस दोनों भाई चलेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, डमरू और झोल झाल बजा के एकदम मैनेजर बन जाना है, कोई नहीं रोकने जा रहा है सर। आप डॉक्टर एवं टेक्नीशियन, आप डॉक्टर एवं टेक्नीशियन है, आप हम रिपोर्ट देंगे, आप दवाई लिखिएगा, धमाल मच जाएगा। जी सर बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे सिवान में धुआं उड़ा देना सर, एकदम पीछे नहीं मुड़ना है सर। और कोई ऐसे व्यक्ति अभी डॉक्टर साहब को सुने, मैं जानता हूँ इस सेशन में बहुत ऐसे लोग हैं, कोई अगर हैंडरेज करें जिनको आना है तो हैंडरेज कीजिए अपने वीडियो को ऑन करके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके। हमारे बीच संजीत जी भी हैं। संजीत सर आपको भी सर सुनना चाहेंगे, उसके बाद संजीत सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपके स्क्रीन पे एक गया होगा नोटिफिकेशन, उसको आप अनम्यूट कीजिए।
वेलकम है सर, वेलकम है। ये दोस्तों बिहार से धुरंधर लीडर सब हैं। सर सबसे पहले तो गुरु जी को नमस्कार, जो आज पूरे टीम को लीड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे गुरु महेश जी को भी, जो इतने दिल से ट्रेनिंग दिए आज प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ आपके आज के जो होस्ट हैं, जो बेहतर तरीके से एकदम कहा गया विथ मोटिवेशन, एक्साइटेड, पूरी एक्साइटमेंट के साथ पूरे टीम को होस्टिंग करते हैं, तो आपको तो स्पेशल थैंक्स सर। और साथ ही साथ हमारे साथ में जो आज हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद, जो इतने बेहतर तरीके से आज एक्टिवली पार्टिसिपेंट के लगभग 74 लोग थे ट्रेनिंग में। और बात ये है सर, गुरुजी तो आज साथ में बने हुए हैं। रियली में जिस तरीके से सर ने आज ट्रेनिंग दिया, ये ट्रेनिंग जो है इसके अंदर बहुत रहस्य है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ये स्लाइड को दे सकता हूँ। देखिए, कहा गया है ना कि कोई किताब को पढ़ लेना वो हर आदमी कर सकता है, बट वही किताब को लेकर 50 आदमी के सामने जाकर उसको कन्विंस करना, ये हर आदमी नहीं कर सकता है। और ये चीज मतलब कि ये चीज जो है अंदर में होता नहीं, बल्कि इसको हासिल किया जाता है मेहनत करके। अगर आप बहुत अच्छा वक्ता है तभी आप बोल सकते हैं, जब आप इसको एक शुरुआत करेंगे और आप धीरे 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 करके उस तरफ आप बढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने गुरुजी से बहुत सीखा, और गुरुजी का ही देन है कि आज गुरुजी के वजह से आज कार मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा इनकम मेंटेन कर रहे हैं, और आने वाला समय भी बहुत धमाका होगा। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को यही कहूंगा कि कोई भी ट्रेनिंग आप अगर लेते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप ट्रेनिंग का, आप ये मत जाइए कि लीडर जो है वो कितना पढ़ा लिखा है, आप ये मत जाइए कि लीडर जो बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है, बट आप यहाँ जरूर जाइए कि लीडर आखिर बोल रहा है तो सेंस क्या है, यानी कि वो क्या हमको दिखाना चाह रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप एक हंस की कहानी सुने होंगे, जैसे अगर पानी में अगर दूध को मिला दिया जाए तो पानी और दूध पता नहीं चलता है कि पानी किधर है और दूध किधर है, बट वही दूध को अगर आप लेकर हंस को जाकर दे देंगे तो जब दूध अगर पिएगा तो वो दूध को पी जाएगा और पानी वही रह जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे अंदर का क्वालिटी होना चाहिए, हमारे अंदर के सीखने का कला होना चाहिए कि हम सामने वाला लीडर को जो सीख रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को हमें ऑब्जर्व करना है, बाकी चीजें को हम साइड भी रख सकते हैं बट क्वालिटी को ऑब्जर्व कर लेना है। तो सर गुरु जी का ट्रेनिंग ले लेकर तो हमने कंपनी में मैनेजर बना, बहुत सारे लोगों को मैनेजर भी बनाया, तो सर वो तो हमारे मेंटर हैं। तो थैंक यू आपको, सबसे बड़ी जो है ट्रेनिंग का जो ऑर्गेनाइजर होता है उनका सबसे बड़ा रोल होता है, जो वो पूरे ट्रेनिंग के अंदर जान फूंकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी होस्ट के मामले में मुझे नहीं लगता है कि सुशील गुप्ता जी से बेहतर कोई होस्ट है, तो आपको बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, और आप लोग को ही देख करके मतलब अंदर उमंग आती है कि आप लोग कर सकते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो पूरे बिहार के 0.001% लोगों तक भी फॉरएवर नहीं पहुंचा है, और अब तो इसको समझने वाले हैं। सो दोस्तों सर के कहने का यही मतलब, सुशील जी मैं चाह रहा हूँ कि कल संजीव जी को आप इनवाइट करो कल की मीटिंग के लिए। सौभाग्य होगा मेरा संजीव सर, तो इसी मीटिंग में अनाउंस कर दिया जाए, आप ही अनाउंस कर दीजिए किस टॉपिक से आप आना पसंद करेंगे। गुरु जी को धन्यवाद इतने शानदार अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे ये मौका और मुझे इस लायक समझते हैं, तो गुरु जी को दिल से धन्यवाद। और सर मुझे तो फॉरएवर के अंदर आप जो भी टॉपिक देंगे तो वो चलेगा, कल मेरे से आप BOPP भी ले सकते हैं या मोटिवेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों आपके सामने कमेंट आ रहा होगा, उस कमेंट में बताइए मोटिवेशन चाहिए या BOPP, लेकिन आपको बता दूं BOPP की स्लाइड में मोटिवेशन भी आ जाता है, मतलब 1 by 1 get 3। मैंने BOPP आज ही डिजाइन किया उसको, और सोने पे सुहागा कल मैं उसको लेकर आया तो पहली ट्रेनिंग होगी उस BOPP का। बिल्कुल देखना चाहेंगे सर हम लोग। BOPP डन हो गई सर। देखिए मैसेज में भी ज्यादा उसी BOPP को ही लेकर है, तो मैं BOPP के साथ आऊंगा, बट मैं सभी पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ 44 पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि सबसे पहले कल अगर आप BOPP में एक पार्टिसिपेंट के साथ आते हैं
तो हम आपको प्रोमिस दिलाते हैं कि वो पार्टिसिपेंट आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। तो 44 आप हैं और कोशिश करिए कि 44 आपके साथ और आए, यानी एक एक सभी को लेकर आना है, नए प्रोस्पेक्ट को जो आप जिसको जानते हैं और उसको फोन करिए कि आप घर बैठे हुए हैं और आप मेरे साथ एक से दो दिन ट्रेनिंग में आइए, हम आपको घर में ही बैठे मतलब बैठे बैठे पैसा कमाने का मौका देते हैं, सिखाते हैं, आइए मेरे साथ और ट्रेनिंग में आइए। उनको इनवाइट करके लाइए, बाकी चीज हम लोग हैंडल करेंगे। बिल्कुल सर, मैं कमिटमेंट करता हूँ। ये तो वो लोग हैं अभी तक ट्रेनिंग में 44 जो दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे, जो बराती आए थे ना वो बराती खा पी के निकल लिए, ये वो लोग बैठे हैं 80 के आसपास है संजीव जी। तो यस सर, 80 के आसपास थे, जिसमें से जो दूल्हे की बारात के साथ आए थे वो चले गए खा पी के, कुछ लोग नशे में थे आए खाए पिए निकले, और जो ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ चाहते हैं जी सर। और मैं बोलता हूँ कि अगर 80 में से अगर 43-45 लोग अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो इसका मतलब हमारी मेजोरिटी में है, सरकार अपनी है जी जी। तो इसी के साथ दोस्तों, संजीत जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि 2 मिनट में जिंदगी कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी, हाँ लेकिन आप मेहनत करेंगे कंटिन्यू तो बहुत अच्छी जिंदगी बनेगी। और इसी के साथ आज समय भी ज्यादा हो गया और बहुत अच्छे अच्छे लीडर को सुनने का मौका मिला। ये वो लोग हैं दोस्तों जो जीरो से हीरो बने हैं फॉरएवर की दुनिया में और बिहार के छोटे छोटे जगह से, और बहुत स्ट्रगल किया है। सो कल हम सुनने वाले हैं मिस्टर संजीव कुमार जी को जो बिहार से बिलोंग करते हैं, और बाकी आप लोग उनको सुनने के लिए कल आप तो आए ही, और कम से कम अपने साथ अपने टीम के 5 गेस्ट को लेके आए, नए पुराने आपका टारगेट होना चाहिए। मुझे पता है कल ये पूरा हाउसफुल होने वाला है, लेकिन जिसके जितने ज्यादा लोग होंगे उसका चेक उतना बड़ा होगा। तो अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि कौन कितने ज्यादा लोग लेकर आने वाले हैं। और इसी के साथ मैं एक चीज बताता हूँ सुशील जी, विजय जी से बढ़िया स्पीकर महेश जी से बढ़िया स्पीकर संजीत जी से बढ़िया स्पीकर रविंदर जी। अब संजीत जी रविंदर जी को कन्वेंस करेंगे यहाँ पे आने के लिए, पहले कल संजीत जी को सुनेंगे, फिर संजीत जी को रिक्वेस्ट करेंगे, वो रविंदर जी को इनवाइट करेंगे, वो भी मैनेजर है, वो भी बहुत अच्छे यहाँ पे। मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी मीटिंग में महेश की मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि फॉरएवर के अंदर सबसे ज्यादा मैनेजर देहात से है। क्यों? मोटा कमाना, मोटा लगाना, मोटा समझाना, बुद्धि नहीं लगानी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो केमिकल लोचा इनके दिमाग में रहता है, वो उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि काली भैंस है, हरी घास खाती है, सफेद दूध देती है, वो ये सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अरे प्रकृति ने बनाया यार, उसने क्या बनाया, क्या खाया, क्या लगाया, उससे मतलब नहीं। प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या वो मिल रहा है, सक्सेस रेशियो क्या है, कैसे मिलेगा, काम करेगा नहीं करेगा, वो डाउट के साथ आते हैं और डाउट के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए डाउट नहीं करना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब कल हम संजीव जी को सुनेंगे, फिर अगले दिन हम रविंदर जी को सुनेंगे, फिर अगले दिन मैं इनवाइट करता हूँ इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कोई अच्छा अपने आप को सामने लोगों को ट्रेंड कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता उसका लेवल क्या है, लेकिन मैं इनवाइट करता हूँ आप लोगों को, आप आइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारा मकसद हमको बोलना नहीं है, आप लोगों को बोलना सिखाने का है। मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप लोग जो कोई भी इंटरेस्टेड है और आप जिस ग्रुप से भी है, अपने सीनियर को जरूर बताइए, आपका दिल से स्वागत है। बेशक आप 10 मिनट बोलिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ आपको खुले दिल से जी। सुशील जी खत्म किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। आप जैसे गुरु का साथ हो तो फिर मतलब मार्गदर्शक आप जैसे हो तो फिर कुछ सोचना ही नहीं। तो दोस्तों इस सेशन के साथ बने रहिए, और आप सभी लोग कल 7:50 पे इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले संजीत जी, और क्योंकि उन्होंने खुद कमिटमेंट कर दिया है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति कमिटमेंट करते हैं वो अपना 110% लेकर आते हैं। और कल मुझे पता है जो जो सेशन में रहेंगे वो इस पेंडेमिक में भी अपने चेक्स को 1,00,000 रुपए से ऊपर का ले जा सकते हैं कल के मीटिंग से। तो कल आप लोग मिस ना करें, एडवांस में 7:50 ज्वाइन कर लें, और कोशिश कीजिए जहां भी आप मीटिंग लेने के लिए बैठते हैं आपका जगह ऐसा हो कि आप मोबाइल को सामने रख दीजिए, नोट्स बनाइए। मैंने खूब सारे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आपका मेंटली आप फ्री हो जाते हैं, फिजिकली फ्री हो जाते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं, और आप सभी लोगों का थैंक्स करता हूं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे सहयोगी मित्र हैं जो अगले लीडर के रूप में निखर के आने वाले हैं। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रोडक्ट का सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, कोरोना जैसी महामारी को हम सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।